खवातीन आजाद मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे। कल हमारी बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई ऑन टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हमने उसको डिफरेंट एरियाज पर डाइसेक्ट करने की कोशिश की कि यार क्या चीजें थी जो हमसे शायद पास्ट में गलत होगी जो हम आने वाले वक्त में ठीक कर सकते हैं। बट कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई थिंक लुकिंग फॉर दैट वन रे ऑफ होप आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अब इकदाम है अगर हम चैंपियंस कप की बात करते हैं ऐसा इकदाम लगता है कि शायद हम वापस टीम को बिल्ड करना चाहते हैं शायद हम वापस जो गलतियां हमने की थी पास्ट में अब हम उनको दोहराना नहीं चाहते। आई थिंक उसी की ये एक मिसाल होगी आने वाले वक्त में अगर हम देखेंगे जो रिजल्ट्स ये वापस लेकर आएंगे। अगर हम लड़कों की सिलेक्शन की बात करते हैं या मेंटोर्स की बात करते हैं इसमें ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन जहां पे हमें लगता है कि वो खाली स्पेसेस हैं उनके ऊपर सवाल उठता है लेकिन बट फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट कल हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान हैं यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जब गुफ्तगू हुई उन्होंने ये कहा कि अगर हम रीजन्स की ज्यादा सारी टीम्स बनाएं हर रीजन में एक इकोनॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमें लड़के भी मिलते हैं हमें टैलेंट भी मिलता है नॉट जस्ट टैलेंट पूल हमें एक मनी स्ट्रीम भी मिलती है विच आई बिलीव इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेयर आउट देयर। जब हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट की पहले भी बहस की थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है मैंने खुद इंस्टेंस शेयर किया था कि लड़के आए मेरे पास किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा कि सर डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अब हमें कहीं वेटरी भी करनी पड़ती है। फाइनेंशियल मॉडल ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट बट जब हम वापस टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो खवातीन आजाद ऑब्वियसली चैंपियंस कप नीड्स टू बी ऑन टॉप ऑफ इट बिकॉज आई थिंक दैट्स वन स्टेप closer towards success as well and to talk about all of this positivity taking place within Pakistan Cricket Board and studios away in Islamabad I'm very lucky that I've been joined by the fastest ever bowler to have stepped on this planet he is Mr. Shoaib Akhtar assalamu alaikum Shoaib bhai wa aslam shahzad thank you so much for joining us wonderful to have you once again humne sir badi tafseeli guftugu ki ho gayi let's move on towards the positive champions cup will be starting from 12th of september in Faisalabad sare matches Faisalabad mein honge panch teams पांच मेंटोर्स सिलेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जरूर है पहले आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं कितने लड़के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हर टीम में इन्होंने प्रोविजनल 30 सिलेक्ट किए थे फिर उसके बाद दे शॉर्टेड डाउन टू 20 एंड देन 15 फॉर ईच टीम ओके 30 का ट्रायल हुआ जी फिटनेस टेस्ट हुए सबके फिर ट्रायल्स हुए एंड देन द इंक्लूजन ओके कितना बन गया 5 × 30 150 डेढ़ 200 लड़का ट्राई कर गया ट्रू 200-300 लड़के को लगता या 500 लड़के को लगता था कि शायद आई गोना बी सिलेक्टेड Inspiration is there now. Some ray of hope is there. अब क्या है कि यार मैं खेल सकता था खेल सकता हूं आ सकता हूं हो सकता है ऐसे ही है ऐसे ही इंसान इसी के दरमियान जीता है हो सकता है कर सकता हूं शायद क्या बात है ऐसे ही है जी यही इंस्पिरेशन मैं चाहता हूं कि स्मॉलर रीजन में भी आए इकोनॉमिक मॉडल्स के साथ आए पॉजिटिव चीज ये है कि चलो यार एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को जो ये कहता है कि आओ कम एंड डिस्प्ले योर टैलेंट बिल्कुल इसमें कुछ भी ना कुछ भी ना हुआ कुछ भी ना हुआ दो ही लड़के निकल आए ऐसे ही है ना ठीक है दो ही निकल आए आई विल बी मोर देन हैप्पी बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज कि दिस ब्रांड हैज टू बी चैंपियंस कप हैज टू बी लार्जर देन लाइफ इन टर्म्स ऑफ 5 नहीं 50 टीम होनी चाहिए उससे आपका एक वॉल्यूम बढ़ जाता है वॉल्यूम से आपको ऑब्वियसली एक सर्टन पूल ऑफ टैलेंट होता है बाहर निकल आता है भारत देखें ये बेसिकली एक एनओसी बेस्ड डन बाय पीसीबी एक सर्टिफाइड कप हो रहा है सर्टिफाइड ट्रायल्स हो रहे हैं सॉरी बिल्कुल आइए पैसे लीजिए और खेलिए कोचेज आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी बहुत सारी है ऐसे ही है बहुत बढ़िया आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट जो मेंटोर्स है बेसिकली ठीक है यार आई एम ऑल फॉर द मनी यू नो व्हेन इट कम्स टू पीपल मेकिंग मनी I'm all for it. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मुझे ये मेरे अंदर फैक्टर तो मैं जानती हूँ बिल्कुल ऐसे ही पैसे तो मैं बन रहे आई एम हैप्पी फॉर यू बट व्हाट यू गोइंग टू डिलीवर दैट आई हैव टू सी वन टू सेकेंडली आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ट्रायल एवर हैपेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिस्ट्री अब जहां पे मुझे सिर्फ ये देखना है कि टैलेंट पूल जो आपने पिक किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा वो शोकेस कर जाएगा क्या मुझे 2 से 3 या 4 या 5 लड़के मिल जाएंगे ठीक है यार मुझे मिल गए आई बी मोर देन हैप्पी यू नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा इकदाम किया देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल बन रहा है बन जाएगा ना इंशाल्लाह वो 6 महीने नहीं 7 नहीं 10 में 10 नहीं 1.5 महीने पहले बन जाएगा इंशाल्लाह दैट आई एम होपिंग इज द होप यप राइट आई एम होपिंग इज द होप मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हूँ यू नो दिस राइट मुझे पता है तू जा रहा है तो वहां मेरा काम है इट सीम्स हार्डली अनलाइकली ओके लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑलराइट
दिन रात भी ये काम कर रहे थे, दो साल से पहले खत्म नहीं होना, बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो जाएगा। ट्रू। और अच्छा एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने लड़कों की बात की ना, यहाँ पे शुएब भाई दो चार सवाल बनते हैं। अगर आप मेंटोर्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल है सरफराज अहमद वाहिद ऐसे मेंटोर होंगे जो खेलेंगे भी, फिर वकार भाई भी हैं, फिर देन नॉट जस्ट ऐसे क्लैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, ऑल फॉर इट। मैं तीन तो इनमें से जो है हमारे कोचेज भी रह चुके हैं। अब मैं जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले ड्राफ्ट हुआ, ट्रायल्स हुए, ड्राफ्ट के बाद इन सब मेंटोर्स ने इन खिलाड़ियों को पिक किया, दैट्स अ गुड डील, व्हाई नॉट, अच्छी चीज हो गई। अब मुझे ये बताएं कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस भी इन्हीं के हाथों में होना चाहिए था, या आपको लगता है कि सिलेक्शन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट? नो, दे आर द ओनर ऑफ द टीम्स बिकॉज़ दे ऑफर्ड मी एज़ वेल, राइट? सो आई अनफॉर्चूनेटली कुडंट डू इट फॉर सम पर्सनल रीजंस। ओके। मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं विद द मीडियाज एंड एवरीथिंग, यू नो दैट आई वर्क अब्रॉड एंड आई ट्रैवल अब्रॉड अ लॉट। दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम टू मोहसिन भाई टू रीच आउट टू मी इन टर्म्स ऑफ टू हेल्प मी पाकिस्तान क्रिकेट आउट। I will in times to come, but my dream is bit bigger than a five teams. Okay. So that's what I suggested to him. I said, if you can bring me in to build a scenario where I can bring about 100,000 people into it, and right, obviously right. Mobilization of 7 million people, that can be done. I am there for it. Okay. When it comes to helping you out. All right. So aapki legacy ban jaye, aapka ek naam ban jaye. Main uske liye unke saath aana cha raha tha. I hope he understands what I was trying to say to him. Anyways, ये owners हैं जी, यही selectors हैं, यही mentors हैं, यही inspirational figures हैं जी। अब कौन कितना inspired होता है बच्चों किनसे, वो हमें देखना पड़ेगा, या हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन कितना अपना input देता है इस चीज़ में और ये बताता है कि यार ये मेरी टीम है और ये मेरा pool of talent है जो मैं लाया हूँ, ये लो my gift to Pakistan, ठीक है, take it। अब that is It's only going to be determined by the result that you're going to produce as a mentor. Okay. As simple. As simple. I'm really hoping these are the mentors. I'm sure they're going to do a great job. And I really hope ke apni game na pa dena vich jo inki origin ho rehne dena. Main ye sawal put karne laga de ke jo hamari kal sari conversation hui thi वकार यूनिस मेंटोर है, नथिंग टू टेक अवे एज अ प्लेयर, ऑब्वियसली शुएब मलिक मेंटोर है, मिसबाह उल हक मेंटोर है, टीम की जब हम कंडीशन की बात करते हैं 2009 का वर्ल्ड कप, 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, नथिंग आफ्टर दैट, 7 साल हो गए हमें कोई कप नहीं आया, यही लोग रहे ना अफेयर्स में। अब यही लोग हैं जो आपके मेंटोर्स भी हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट फाइंडिंग की बात कर रहे हैं या आप कहते हैं कि हम टैलेंट लोकेट कर लेंगे, डू यू थिंक दीज आर द राइट मेंटोर्स टू लीड द टीम्स या ओनर्स? In a point, why you have to put me in a circle where I have to say something? I don't want to. Okay. I'm done criticizing. I'm done saying odd things because, you know, we are... So, isme se positive de dena kuch. Isme se kuch positive de de, zaruri. Positive kap ho raha hai. Theek hai. Is bhi kara raha hai. Mohsin Naqvi has a will. Alhamdulillah. And to enhance Pakistan cricket in terms of bring the talent in. That is a positive. Thirdly, he is paying money to the people who's playing and participating. True. मुझे देते थे चने की दाल शॉपिंग बैग में के बाद, हाँ वेट 40 ओवर करने 4 डे में, 45 ओवर करने, एक नान था और एलसीसी का ग्राउंड है और भावलपुर का ग्राउंड है, रड़े भागो, दैट वाज माय प्राइस। ठीक है, आई एम रियली हैप्पी फॉर द यंगस्टर। यार ठीक है यार, तुम्हें पैसे मिल रहे ना, तुम्हें 1 लाख रुपए पर मैच मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है, I'm all for it. Good. Enjoy this. Use this. Enhance it. Build it. Go further. Further than anything else. You know, there are many other galaxies in this world, right? True. So it all depends and determines ki jo mentor unko sikhate kya hai pathways. Unko batate kya hai. Beta, ye goal hai, ye pathway hai. It is not the journey. It's not the destination. Forget all about this. Ye journey, destination, ye sari bakwas baatein. नहीं, what you become of the journey is what matters. It what matters, the yes. material. True. You know, the material that what you made off with. वो material को ये बताना कि तुमने ये खाना है, ये सोचना है, ये visualization है. Manifesting is right. Manifesting, आप लोग manifesting, manifestation करनी चाहिए. और मैंने कहा ये 14 साल से मैं बताया, गुमान अपना ठीक रखो. जैसा गुमान करोगे वैसा मिलेगा. ठीक है. और ये चीजें कन्विक्शन ये बतानी उनको हैं जो तुम्हारे पास आ रहे हैं. ओके. मेरी शदीद ख्वाहिश है मेंटोर से
यार अपनी गेम नहीं पानी उन्होंने सो मेक श्योर करना कि उनको इमरान खान बनाना वसीम अकरम बनाना शोएब अख्तर का एटीट्यूड हो सकलैन जैसा स्पिनर हो शाहिद अफरीदी जैसा स्पिनर हो रजाक जैसा खेलता हो मैनी अदर मोहम्मद जायद हैं मैनी अदर जावेद भाई हैं जहीर भाई हैं बड़े हैं सो लॉट टू टेक फ्रॉम इट या दैट्स ट्रू बी दोस गाइस थैंक यू सो मच एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड यू नो व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग अबाउट द ह्यूमंस जो वाकई बड़ा बड़ा बनना चाहते हैं जो बड़े होते हैं जिन्होंने नाम कमाए हैं यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज द ग्रोथ ऐसे ही थैंक यू शोएब भाई ग्रोथ You know, they never stop growing in terms of intellect, in terms of dimag, in terms of training, in terms of anything, gym, anything. Hamesha apne achhe ke saath baithenge. Tum 15 din bagwas logon ke saath baitho, tum mujhe aisi baatein karna shuru kar doge. तो मुझे जैसा ड्रेसअप करना शुरू कर दोगे तो मुझे ऐसी बातें करोगे तुम ऐसे सोचोगे ऐसे आज हम एक जैसा ड्रेसअप कर रहे तेरा कोट जरा वो सिल्वर वाला कल एक ही दिन गुजरा इतनी इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ बीच में जरूर घुसना मैं आगे आपको बढ़ाना भी चाहता हूँ साजिश की अगर आप इजाजत दे दो क्योंकि जो आपने कल बात की थी ना कि मुख्तलिफ रीजन से लड़के आने चाहिए अब हुआ क्या है कि जब हम इन 5 स्क्वाड्स को देखेंगे तो आपको इस बात की बड़ी खुशी होगी कामोगी के लड़के भी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां के लड़के मैं आपको जरा डॉल्फिन स्क्वाड दिखाना चाहता हूं सबसे पहले जरा कैन यू प्लीज मूव ऑन टुवर्ड्स द स्क्वाड्स एज वेल तो सबसे पहले जरा डॉल्फिन का स्क्वाड देखते हैं जी सो लुकिंग एट द डॉल्फिन स्क्वाड लेडीज एंड जेंटलमैन यू नो दिस इज व्हाट आई बिलीव इज व्हाट यू सेड और स्पोक अबाउट यस्टरडे एज वेल सऊद शकील कप्तानी कर रहे हैं आसिफ अली फैसलाबाद से मोहम्मद अखलाक विकेट कीपर कामोकी से मोहम्मद हुरैरा सियालकोट से साहिबजादा फरमान फ्रॉम पेशावर सरफराज अहमद ओबीसी विकेट कीपर और मेंटोर भी हैं फ्रॉम कराची उमर अमीन रावलपिंडी फहीम अशरफ कसूर कासिम अकरम लाहौर अब्बास अफरीदी पिशावर मीर हमजा कराची नुमान अली हैदराबाद समीन गुल जमरूद सुफियान मुकीम कोटली उस्मान कादिल लाहौर आफ्ताब इब्राहिम कराची अवैस अली गुजरवाला गाजी गौरी कराची काशिफ अली रावलपिंडी एंड मोहम्मद रियाजुल्ला फ्रॉम पिशावर अब सर बिल्कुल हमारे तो खबर भी दूसरा बंदा तीसरे मल्ले से छोड़ के जाता था यार वो फास्ट बॉलर वो ऐसी बॉलिंग की उसने आज वो यार बड़ा तेज अच्छा देखेंगे सही है ये तो दिखा रहे हैं कि आ जाओ नहीं नहीं तो टीवी पे आ रहा है दैट्स ट्रू और पूरा पाकिस्तान बैक यू अप वी आर देयर टू बैक यू अप गो डिस्प्ले योर टैलेंट शो केस योर टैलेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शो योर इंटेंशन दैट आई वॉन्ट टू प्ले फॉर माई कंट्री आई वॉन्ट टू बिकम बिग आई वॉन्ट बिकम अ स्टार आई वॉन्ट बिकम अ मैच विनर ये यार लोकल स्टार नहीं बनना ये 5 मैच खेल के इसको यूटिलाइज करना बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ कि बस यूटिलाइज करना खेलना और जाके पूरा जोर से खेलना और ये बताना कि मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जैसे बैक इन लेट 90s में हमारी सॉरी शोएब भाई लेकिन जब आप उन जैसा कहते हैं उन जैसा का रेफरल पॉइंट क्या है मतलब अगर हम कहें कि हम आज के खिलाड़ियों को जब देखते हैं हम आज की टीम बिल्डिंग को देखते हैं जब हम आज देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम हैज रिट अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू दिस इज अ सैड सिनेरियो बट इसको यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाई वुड यू व्हाई मुझे बताओ कि हमें चैंपियंस का बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हां ताकि हम टैलेंट पूल ढूंढे टैलेंट है ही नहीं हमारे पास एग्जैक्टली मैं शोएब भाई जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं जैसे वक्फे के बाद वापस आते हैं तो खवातीन और आजाद वी हैव गॉट 4 मोर स्क्वाड्स टू गो अबाउट शोएब भाई वंस अगेन यू नो मूविंग बैक टू चैंपियंस कप हम पहले एक टीम का तस्करा कर चुके हैं वी हैव गॉन थ्रू द टीम हमने मेंटोर्स के हवाले से भी बात कर लिया है बट लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लायंस मेरे ख्याल लायंस के मेंटोर हैं मिस्टर बकार यूनिस लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द स्क्वाड जरा स्क्वाड के ऊपर एक नजर डालते हैं द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्क्वाड सो फार इज कि हमें मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के लड़के मिल रहे हैं खेलने के लिए जो आएंगे शाहिन शाह जो है वो इसके कप्तान है मामूलक खेलेंगे इनकी कप्तानी में इमरान भट्ट फ्रॉम लाहौर इरफान खान फ्रॉम मियांवाली खुशदिल शाह फ्रॉम बनू उमेर यूसुफ कराची से रोहेल नजीर विकेट कीपर फ्रॉम इस्लामाबाद आमिर जमाल फ्रॉम इस्लामाबाद आमिर यमीन फ्रॉम मुल्तान मोहम्मद ताहा फ्रॉम कराची फैसल अकरम फ्रॉम मुल्तान हसनैन शाह फ्रॉम लाहौर मोहम्मद असगर कराची सिराजुद्दीन बाजोर से हसन नवाज फ्रॉम इस्लामाबाद शहाब खान फ्रॉम मर्दान शाहरून सिराज साहिवाल से वकार हुसैन फ्रॉम उकाड़ा एंड अब्दुल्ला शफीक फ्रॉम सियालकोट वो बात तो हमने जो शोएब कनेदी कर ली अब
जो मोहम्मद तहा फर्ज करें अगर लड़का है, अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. हम कुछ लड़के ऐसे भी देख रहे हैं जो डोमेस्टिक सर्किट में जिनके दो गेम्स हैं, तीन गेम्स हैं, वो उसका हिस्सा है. अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो खिलाड़ी खेलने में हिस्सा रहे, अगर हम साद बे की बात करते हैं और खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई, उनको मौका नहीं मिला इन टीम्स के अंदर. तो अगर हम सिलेक्शन की, जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि आपके सिलेक्शन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये राइटफुल है फॉर अ प्लेयर जिसने दो मैचेस खेले शायद डोमेस्टिक सर्किट में, उसकी जगह बन गई, लेकिन जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी करके आया उसकी जगह नहीं बनी? यार थोड़ा सा मिस आउट हो जाते हैं लोग. ऑनेस्टली सारा इंटेंट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही है कि सारा जो अच्छा टैलेंट है वो आ जाए, पूल इन हो जाए, लेकिन कुछ रह जाते हैं. ठीक है, और कोशिश करें कि ये ना रहें लोग. हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान खेल सकते थे, पिछले 5-6 साल से हम उनके बारे में बात करते रहे, वो बेचारे रह गए और फिर खेल ही सके. और ऐसा ना हो यार कि कोई मिस आउट कर जाए अपॉर्चुनिटी को. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जितने भी हैं सारे रन में आके खेल जाएं, दिख जाएं, ताकि नोटिस हो जाएं. और दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट टू ऑल द सेलेक्टर्स, यार प्लीज मेक श्योर ज्यादती ना हो जाए. आई नो देयर इंटेंट इज नॉट टू डू द ज्यादती, बट अगेन कोई मिस आउट ना हो जाए, दैट इज ओनली थिंग आई कैन रिक्वेस्ट. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसी टीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं मजीद. मैं आपसे ये भी बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा पकड़ दकड़ चलती रही. बाबर आए, बाबर चले गए, फिर उनकी जगह पे कप्तान आए शाहीन शाह अफरीदी, फिर वो चले गए एक मैच के लिए आए, फिर उसके बाद यू नो हाउ थिंग्स हैव बीन. अब अगर हम इन टीम्स के अंदर जो कप्तानों की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं, आपको लगता है कि आगे आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स होंगे कि शाहीन शाह अफरीदी शायद हमारा वनडे का कप्तान बन सकता है, T20 का बन सकता है? यार आई थिंक विल होनी चाहिए हमेशा टू पार्टिसिपेट फॉर योर कंट्री एंड टू लीड योर कंट्री, बट ये आपका पर्पज नहीं होना चाहिए. ठीक है, पर्पज ये होना चाहिए कि आप मेरी वजह से पाकिस्तान जीते. आई मीन लाइक ऑनेस्टली अगर कप्तानी ना मिली तो पाकिस्तान नहीं खेलेंगे क्या? सो आई थिंक इज अ गुड लैट, इज अ गुड बॉय, ही नीड्स टू फाइंड हिज ओन वेज to become successful as Shaheen Shah Afridi. मेरा ये ख्याल है कि उनको ये देखना चाहिए कि मेरी जो मैं वैल्यू ऐड करता हूँ टीम के लिए वो कहीं कम तो नहीं हो रही. जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट मुझे कैप्टनसी ले ली गई या मुझे होनी चाहिए या थी या नहीं होनी चाहिए थी. यार ये सारी ये जो चीज़ें ना आपके साथ होंगी इस सारे करियर में. ठीक है, करियर बहुत सा छोटा सा है. करियर में आपने अच्छे फैसले, जल्दी फैसले, जल्दी समझ जाने वाले फैसले वो जल्दी ले लेने हैं ताकि आपका करियर हर्ट ना हो. बिकॉज दिस स्पैन ऑफ टाइम, मेरे 14 साल ना ऐसे गुजर गए, पता नहीं चले, आपके भी गुजर जाएंगे. सो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें ठीक हैं, जैसे मेरी बॉडी में कमजोरी है, मेरी बॉडी की बॉलिंग की कमजोरी है, मेरी पेस नीचे आ रही है, आप पेस पे काम करें, आप सारी चीज़ों पे काम करें टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान. दैट इज अल्टीमेटली योर गोल शुड बी. अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. Okay. और लोग विल नॉट रिमेंबर यू बिकॉज हमारी वीडियोज इसलिए बार बार देखते हैं लोग, रिसर्फस हो रही हैं बिकॉज इज द वे वी प्लेड द गेम. ट्रू, दे रिमेंबर दैट नाउ स्टिल. सो आप भी याद रह जाए कुछ ऐसा खेलें. लेकिन आई एम श्योर इसमें से बेस्ट तो बेस्ट निकलेगा, शाहीन का भी, सारे बच्चों का भी, वकार भाई भी बेस्ट देंगे अपना. आई रियली होप यार दे बिकम सक्सेसफुल. आई रियली होप दैट यू नो इनमें से बच्चे निकल आए. एंड देखें कप्तान बनना है, किसी को चेयरमैन बनना है, किसी को सीईओ बनना है, सारों को सब कुछ ही बनना है. लेकिन यार अल्टीमेटली जो इंटेंट है ना, आपकी नीयत जिसे कहते हैं, वो आपकी हमेशा होनी चाहिए कि यार आई एबल टू हेल्प अदर्स. आई डोंट वांट टू बी अ नाइस गाय, आई वांट टू बी अ काइंड गाय. थैंक यू सो मच. आई वांट टू बी काइंड, किसी का मैं फ्यूचर बना दूं. ट्रू, आई मीन 5 लोगों के पास वो ताकत है आज, क्या वो बना सकते, किसी को बना दे, खड़ा कर दे. क्या बात है. आई थिंक वाइज वर्ड्स हैव बीन सेड एज़ वेल, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू काइंड ऑफ नो दिस डिफरेंस. जो अभी शेख भाई ने बात की, बड़ी वजनी बात है कि नाइस होने में और काइंड होने में क्या फर्क है. इस पर बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी गई है, प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल. अब चलते जी जरा स्टैलियंस की स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं. तीसरी टीम है, इनके जो मेंटोर हैं शेख मलिक हैं और कप्तान जो है वो मोहम्मद हारिस है फ्रॉम पिशावर. बाबर आजम खेलेंगे इनकी कप्तानी में. क्या बाबर आजम ने अब ये बात छोड़ दी है कि वो कप्तान बनना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमें इस तरह की भी कोई चीज मिलेगी? आई थिंक दैट्स स्टिल डिबेटेबल. शान मसूद फ्रॉम कराची, तैयब ताहिर सराय आलमगीर से, हुसैन तलत फ्रॉम लाहौर, जहानदाद खान फ्रॉम रावलपिंडी, साद खान फ्रॉम हैदराबाद, अब्रार अहमद फ्रॉम कराची, हारिस राउ फ्रॉम इस्लामाबाद, मेहरान मुमताज फ्रॉम रावलपिंडी, मोहम्मद अली फ्रॉम सियालकोट, मोहम्मद आमिर खान फ्रॉम स्वात, उबैद शाह फ्रॉम लाहौर, जमान खान फ्रॉम मीरपुर, आदिल अमीन फ्रॉम पिशावर, आजम खान फ्रॉम पिशावर, जुनेद अली फ्रॉम लाहौर, माज सदाकत फ्रॉम पिशावर, शामिल हुसैन फ्रॉम इस्लामाबाद, यासिर खान फ्रॉम रावलपिंडी. अब जैसे यहाँ पे हमने आजम की बात की, अब
ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो कैरेबियन लीग की वजह से नहीं हिस्सा बनेंगे, जिनमें आजम भी हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर भी हैं, जिनमें इमाद वसीम भी हैं। अब अगर हम चैंपियंस कप को रखते हैं और जो आप इंटेंट की बात करते हैं कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको नहीं लगता था कि इन खिलाड़ियों को शायद कैरेबियन प्रीमियर लीग, ऑब्वियसली इट्स अ पे मास्टर, आपको लगता है कि यहाँ पे आके उनको प्रूव करना चाहिए था कि यस वी नीड अ स्पॉट इन द टीम? दे डोंट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड द इंटेंट इज क्लियर। इंटेंट इज क्लियर, एग्जैक्टली। सो उन वो ठीक है, आई गेट दैट। तो आपने वर्ल्ड कप में सेलेक्ट क्यों किया था उनको सिलेक्शन की? अगर आपके पास नंबर गेम्स पूरे नहीं हो रहे ना, बिल्कुल आपके पास प्लेयर ही पूरे नहीं हो रहे, तो आपने कहा ये भी आ जाए वो भी आ जाए, किस तरह काम चल जाए? काम तो नहीं चला, नहीं चला, तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। काम चलाने वाला काम छोड़ दें, इस तरह काम नहीं चलते, दुनिया नहीं चलती कि आज का दिन गुजर जाए तो कल की खैर है। आज के प्रेजेंट में रह के कल का सोचना है। बट एनीवेज, आमिर और अहमद की इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। आई डोंट थिंक आजम खान इज थिंकिंग दैट दे विल हैव हिम बैक इन द टीम। बिल्कुल। सो ही मेड अ क्लियर चॉइस दैट यू नो आई वांट टू मेक मनी, आई डोंट नाउ गोना बी सिलेक्टेड, और यहाँ पे रह के मुझे वहाँ का फाइनेंस इज गोइंग टू हर्ट मी। True. So I'm going to go for finance. So which is fine with me. Exactly. And the picture is clear as well, I think, in front of everyone. अगर ये पाकिस्तान टीम में अनाउंस हुए होते और ना खेलते, then I should have a problem. Exactly. और मेरा ख्याल है जो आपने बात की है वर्ल्ड कप के बाद, शायद इनको भी लग रहा होगा कि ये प्लान्स का हिस्सा है, but because they were a part of the squad, you know, in the Champions Cup as well, तो मेरा ख्याल है कि decision उनको भी पता होगा कि क्या चीज़ होने वाली है. Unfortunately, with the World Cup, whatever happened, may it be Imad, may it be Amir, we cannot blame only one player. I think it's the entire team which played together as well. Let's move on towards the next squad, sir. Agla jo hai wo Wolves hai, uske jo mentor hai wo Misbah ul Haq hai, aur kaptan jo hai wo Mohammad Rizwan hai, aur unki kaptani mein khelenge Fakhar Zaman from Ahmedabad, Hasibullah Khan wicketkeeper from Pashin, Iftikhar Ahmed from Peshawar, Mohammad Faizan from Faisalabad, Salman Agha from Lahore, Kamran Ghulam from Peshawar, Mohammad Imran from Khanewal, Akif Javed, then Bilawal Bhatti from Murid K, Mohammad Imran Jr. from Peshawar, Naseem Shah from Lahore, Shahnawaz Dani from Larkana, Zahid Mahmood from Dadu, Abdul Samad from Faisalabad, Ali Usman from Multan, Mohammad Sarwar from Fata, Nisar Ahmed from Lahore and Zain Abbas from Multan. It's a mix of players from all. मैं यही शिदात करने लगा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फाटा का, मुल्तान का, दादू का, फैसलाबाद, पिशावर, खानेबाल, पशीन, हाँ, एबटाबाद, यार मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हमारी सारी कम्युनिटी इज कमिंग ऑल टुगेदर इन अंडर वन रूफ। सो सारे जो कास्ट सिस्टम है हमारी, सारे एक जगह पे आ गए हैं। अब इसमें से देखिए, मैं हमेशा ये चाहता था यार कि यार हमारे डिफरेंट रिलीजन, रीजन्स जितने भी हैं, कास्ट जितने भी हैं, हमारे मिक्सर मैच खेलें यार। True. मिक्सर मैच, लेट्स सेलिब्रेट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानीज, राइट? एंड टू टेक होम फ्रॉम वन ड्रेसिंग रूम फॉर पशीन का बच्चा जो है जी, विल टेक होम, इट्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द कैमरा, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द बिग ग्राउंड्स, व्हेन इट वंस कम्स टू प्लेइंग विद बाबर, शाइन, टीवी पे बच्चे, पूरा गांव देख रहा है, पशीन का पूरा गांव देखेगा ना, बिल्कुल देखेगा। तो वो बच्चा सिर्फ खाली अपने लिए नहीं खेल रहा, पूरे पशीन के लिए खेल रहा है। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा, वेल डन, पशीन ऑन हो गया। सो हमें तो यही चाहिए, मैं तो यही इसी चीज़ पे इन्फेटाइज करता हूँ कि हमारा रीजन, छोटे से छोटा रीजन, उसको ऊपर आना चाहिए। और ये looks a very good team. That's exactly, you know, that we need to celebrate it. I think ये जो एकदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस कप की शक्ल में जो हमें नजर आ रहा है, we certainly need to celebrate it together for all of those players to play together. जहाँ पे हम differences की बात करते हैं वो खत्म होंगे। ड्रेसिंग रूम का अक्सर किस्सा जो है वो सामने आ जाता है कि यार किसी की किसी से नहीं बनती। मेरा ख्याल है फॉर ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स टू प्ले टुगेदर एज वन यूनिट and as a team under one captain, I think it's beautiful to see, and aane wale dino mein inshallah Pakistan television will be airing that as well. To aap zara aakhri team ki jaane badhte hain Shoaib bhai, ab aakhri team jo hai, aap kuch kehna chahte hain? Nahi, acha, aakhri team jo hai wo Panthers hai, aur inke jo mentor hain wo Sipyan Mushtaq hain, aur ye kaptan jo hain wo Shadab Khan hain from Islamabad, and Haider Ali from Attock, Saim Ayub from Karachi, Umar Siddiq from Lahore, Usman Khan from Karachi, Usman Salahuddin from Lahore, Abdul Bangalzai from Quetta, Ahmad Bhatt from Sialkot, Mubassir Khan from Rawalpindi, Ahmed Bashir from Lahore, Arafat Minhas from Multan, Muhammad Asnan from Hyderabad, Muhammad Umar from Karachi, Muhammad Zishan from Faisalabad, Usama Mir from Sialkot, Ali Asfan from Faisalabad, Ali Raza from Sheikhupura, Azan Awais from Sialkot, Rehan Afridi from Khaybar, and Rizwan Mahmood from Hyderabad. मेरा ख्याल है कि अब ये आने वाला वक्त हमें जरूर बताएगा। अब लोगों को ये भी प्रॉब्लम, अच्छा जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हर चीज में कोई गंदा आंसर निकाल लेते हैं, कोई ना कोई फैक्टर निकाल ही लेंगे। जी वो तो सुसर है उसका कोच,
शदाब उसका दामाद है, ये कप्तान कैसे बना, ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं नहीं है कैसे, बिल्कुल इज हैपन टू बी अ कोच ऑफ दैट टीम और उसका सन लॉ खेलर, सो परफॉर्मेंसेस देखेगा जी, तो परफॉर्मेंसेस से पता चलेगा ना क्या हो रहा है. एनीवेज दूसरा ये बात भी खत्म हो जाएगी यार, वो देखा कराची में लड़के नहीं खिलाते, बिल्कुल बिल्कुल वो पंजाब में लड़के खिलाते हैं, वो ज्यादा पठान खेलते हैं, पंजाबी कम हो गए. अब फाटा वाला भी खेल रहा है पंजाब की टीम में, अटक भी खेल रहा है, अटक भी खेल रहा है, खेल रहा है, कराची भी खेल रहा है, बिल्कुल खेल रहा है. तो अब इसमें भी क्या कोई निकालना है लोगों ने आपने? नहीं, वैसे पूछ रहे लोगों ने निकाल लिए, बैठे हुए हैं टीवी पे निकाल लिए. यार तुम्हें कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती पीसीबी जो कर रहा है? ट्रू, ये कर रहा है ना, बिल्कुल. अब ये मैं अब लोग अच्छा इसमें भी निकुना निकाल दें, शायद इसने जॉब नहीं की ये वाली, ये शायद मेरी टीम थी, अब ये इसने अच्छा बनने शायद इसको बड़ी चीज चाहिए. यार किसी को यू कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर, ट्रू, यू शुडंट बी अ पीपल प्लीजर, यू से योर वर्ड, यू से योर थिंग, यू से योर थिंग एंड ऑफ यू गो. मेरे ख्याल में आई थिंक ये बहुत अच्छा एकदम है, डिफरेंसेस कम है, हमारी जो कम्युनिटीज में थोड़ा बहुत अनरेस्ट आया हुआ है बिल्कुल उसको भी खत्म करने के लिए है. देखिए फाटा वाला बच्चा पंजाब के साथ खेल रहा है, पंजाबी के साथ खेल बिल्कुल खेल रहा है, अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा. मैं ये चाहता हूँ एक्टिवेशन ऑफ द ब्रांड हो जाती है, फाटा की नॉमिनेशन हो जाती है, एक प्रेजेंस आ जाती है. जब फाटा वाला बच्चा अच्छा करेगा तो ओबीसी फाटा खेलेगा, पशीन खेलेगा. गिलगित बल्तिस्तान में जाता हूँ, उनसा से कौन लड़का नहीं है, बिल्कुल. आज़ाद कश्मीर से मुझे और देखने हैं, मुझे तीरा से देखने हैं, मुझे फार साइड ऑफ बलोचिस्तान देखने हैं लड़के, मुझे आउटस्कर्ट ऑफ खानेवाल से देखने. ट्रू, अंडरस्टैंड, वो भी है नॉमिनेशन. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग बाय द पीसीबी, आई एम श्योर इट्स बिकम अ सक्सेसफुल, बिकम्स अ ग्रेट हिट. और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू सी. और ये ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान टेलीविजन पे आप देख सकेंगे. खवातीन 2012 सितंबर से इसका इनाकाद किया जा रहा है, फैसलाबाद में सारे मैचेस होंगे. इसके लिए एक सर एक सवाल बनता है, अब जब हम पांच टीमों की बात करें, हम चैंपियंस कप की बात करें, हम एक ही ग्राउंड में एक ही पिच के ऊपर सारे मैचेस करवाने जा रहे हैं, आई मीन व्हेन इट इज अबाउट द लर्निंग कर्व. देखिए जो बात सीरियस करने वाली वो तो है ना, जब हम लर्निंग कर्व की बात करते हैं तो कोई पिच ऐसी होनी चाहिए जिसपे बाउंस तगड़ा आता हो, कोई पिच ऐसी होनी चाहिए जिसपे टर्न ज्यादा हो, तब हम एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं एज अ प्लेयर. अब आपको नहीं लगता कि शायद इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा कोई और अच्छा फैसला कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अभी हमारा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें अभी रिसेंट जो सीरीज हुई उसमें भी डिफिकल्टी जरूर हुई, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? हालात और वक्त के मुताबिक फैसले लेने पड़ते हैं जी, सिंपल. ये जरूरी नहीं है कि मेरी विशफुल थिंकिंग ही पूरी हो, ये जरूरी नहीं है कि जो हालात आपको परमिट ही नहीं कर रहे. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेरा ख्याल था गलत टाइमिंग थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पैसे भी आ जाते हैं तब शुरू कर देते, तो आई थिंक वुड हैव बीन सो मच बेटर. सही, तो ये मेरा अपना ख्याल था. ठीक है, अगर मुझसे को पूछता तो मैं कहता सर आप ठहर जाएं, 8 महीने बाद शुरू करा दीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने दें, इंतकाद होने दें, बिकॉज कंस्ट्रक्शन नहीं ओवरनाइट हो सकती, इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर पीसीबी फॉर एवरीवन. जी, कोई कुछ जादू छड़ी तो है नहीं, यू नो, तो को आप कर लेंगे, आप बना लेंगे. बट अगेन आई वुड सजेस्ट आप इनके साथ खड़ा होता मौसम के साथ, सर 8 महीने बाद 9 महीने बाद कर, अभी पैसा आ जाएगा, फाइनेंस भी आ जाएगा, क्लिक कर ले. इसे चैंपियंस कप भी आ रहा है सर, आपका विजन इंप्लीमेंट होके रहेगा, हम करेंगे ना सर, लेकिन अगेन क्या सवाल क्या था? सवाल ये था कि फैसला ऑप्शन नहीं है जी, ऑप्शन नहीं थी, अब फैसला उसी के मुताबिक ही लेना था जो मेरे पास बेस्ट अवेलेबल चीज थी. फैसलाबाद आई एम श्योर कि इसका जो स्क्वायर है काफ़ी बड़ा है, उसमें कम से कम 6-7 पिचेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज के साथ छोटी बाउंड्रीज के साथ भी मिल जाएगी चीज़ें, और थोड़ी बड़ी बाउंड्रीज भी मिल जाएगी, एक साइड की वन साइड की बात, यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ वेरिएशन एंड यू विल गेट अ गुड विकेट्स. आई रियली होप सारा बैटिंग ट्रैक ना हो, बट यार हालात यही परमिट कर रहे थे, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी, या मुल्तान था, बिल्कुल. अब पूरी टीमें उठा के आधी मुल्तान और आधी फैसलाबाद नहीं फेंक सकते थे, दो वी हैव अ बेस्ट मोटरवेज इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट कैन बी आल्सो सॉर्टेड आउट, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड लेट्स पैक देम अप.
Exactly, and we're going to back them up as well. Anyways, I think what Shohbhai has said makes absolute sense. We certainly need to promote, you know, jo inka initiative hai Pakistan Cricket Board ka. Agar hum inke chairman Mohsin Naqvi sahab ki baat karte hain, it was his idea in the first place as well ki hum Champions Cup introduce karein. Ek player from the north of Pakistan se khelega to the south of Pakistan. Everybody's going to come together. Differences ki baat, Karachi ki baat, Punjab ki baat. I think it's going to diminish all of these factors that we've been talking about, and that's one positive. Isse hume talent pool bhi milega, but not just that. इसके साथ ही उन्होंने एक और आइडिया भी उन्होंने लॉन्च किया है जिसको वो कनेक्शन कैंप का नाम दे रहे हैं. अगर आपको याद होगा इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली ये बेसबॉल से पहले 2015 जब ओडीआई वर्ल्ड कप में यू नो दे केम आउट यू नो बिफोर क्वालिफाइंग एज वेल, तो उन्होंने ये इस तरह का एक कैंप लगाया था जिसमें उन्होंने सारे कोचिज को बिठाया, खुद चेयरमैन उनके बैठे बोर्ड के, उन्होंने फैसला किया कि वेयर डू वी नीड टू गो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ये अब मोहसिन भाई का अपना एक आइडिया का हम एक कनेक्शन कैंप करते हैं जिसमें द कोचिज आर गोइंग टू सिट डाउन, यू नो ऑल द की प्लेयर्स आर गोइंग टू सिट डाउन, सारे सीनियर प्लेयर्स को इकट्ठा करेंगे एंड देन वी विल जॉट इट डाउन कि हमारी आगे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. यहाँ से डायरेक्शन काफी वाज़ह है, इज वेरी पॉजिटिव. ऑब्वियसली यार मोहसिन भाई क्रिकेट बैकग्राउंड से आते नहीं है, सो ही नीड्स लॉट ऑफ हेल्प. अब इन पर्सन लाइक मी ही डजंट नीड हेल्प, बिकॉज मेरा विजन प्रिटी क्लियर है, फाइनेंस से लेके इकोनॉमिक्स से लेके क्रिकेट तक. स्पीक योर हार्ट आउट. और नहीं, हार्ट आउट की बात नहीं है, मुझे पता ना मैंने करना क्या है. मुझे तो ये पता है कि कौन कौन सा प्लेयर फ्रॉड है, कौन कौन सा नहीं है. ओके. मुझे ये भी पता है किसी स्टैंड पूल को आगे लाना, किसको नहीं लाना. बिकॉज मेरा क्रिकेट बैकग्राउंड है. बिल्कुल. आई मीन नाउ ही हैपेंड टू बी अ पीसीबी चेयरमैन, सो ही नीड्स लॉट ऑफ हेल्प. लेट्स हेल्प हिम आउट. ट्रू. इट्स वेरी एज सिंपल. सो स्टॉप बैशिंग हिम. He's trying to do the right thing. Man has the will. Does he have the skill to build a good team? Of that, I have to see. I really have to see. So, if he able to, you know, his intent is very good to help Pakistan cricket out. But does he have the background to understand? So that is a big debatable issue. ठीक है. Would he able to create a good team that around him कि जो उनको सही suggestion दे पाएगी? अब हर बंदे की अपनी ओपिनियन है. माशाल्लाह केड़िया कग भी नहीं जिताया उन्होंने, कग भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ओपिनियन जरूर देनी है. सो अब वो ओपिनियन उन्होंने नहीं माननी. अब किसी पढ़े लिखे बंदे की ओपिनियन माननी जो वाकई सेल्फलेस होगा. एग्जैक्टली. जिसको बियॉन्ड अपनी तनख्वाह की नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान यार बेहतरी हो जाएगी. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. वो सेल्फलेसनेस वो मोहसिन भाई को देखनी है उन लोगों में के नजर आ रही है. ये विजन एटलीस्ट तो हो सकता है ना. बिल्कुल हो सकता है. वो अगर ये कर दें तो ये तो अगर वो कर दें और अपने साथ कुछ चार अच्छे सात अच्छे बंदे लग जाएं तो आई एम श्योर इसका इनका प्लान इंप्लीमेंट हो सकता है. इनका प्लान बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकता है. अच्छा शेयर भाई, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे अभी आपने बात की कि यार मुझे पता है एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, कौन से टैलेंट पूल को आगे लेकर आना है, कौन से खिलाड़ी फ्रॉड है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि ये राइटफुल टूल्स नजर आ रहे हैं. यू नो इफ वी आर टू स्पीक अबाउट चैंपियंस कप, इफ यू आर टू स्पीक अबाउट दी ये कनेक्शन कैंप, यही वो राइटफुल टूल्स होते हैं जिसमें सबको इकट्ठा करके बिठाया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और सोचा जाता है कि जी अब अगले आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के, 15 सालों के लिए हम ये करेंगे. क्या हमारी फार फेस्ट विजन या हम शॉर्ट साइटेड हैं? यार फार फेस्ट हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं आता ना, तो विजन कैसे फार फेस्ट हो सकता है जी. या तो ये हो तो मैं पिछले चेयरमैन का विजन मैं आगे लेके चलूं जी. हम तो ये कोशिश करते हैं कि पिछले चेयरमैन के डिसीजन सारे गलत हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ. बिल्कुल. क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि यार मुझे तो मेरे देखें ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी बेस्ट पीसीबी चेयरमैन वाज जनरल तोगीजिया. आपने बोला वेरी सिंपल एज. और उनकी टीम भी काइंड ऑफ ओके थी, बट मोस्टली काम जो खुद जो सारा काम किया ना उन्होंने डंडे के जोर पर किया है. उन्होंने अकेडमीज बनवाई, ग्राउंड बनवाए, फंडिंग रेज की, हॉकी वालों को पैसे दिए, क्रिकेट वालों को पैसे दिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई, सारा कुछ किया. सिर्फ उनकी इंटेंट अच्छी थी. ठीक है. और उनके वो भी खराब करने वाले लोग बहुत थे. क्या ये वो खिलाड़ी कहते हैं जो उनके उनके टेन्योर में खेले, या वो खिलाड़ी भी कहते हैं जो उनके टेन्योर में नहीं खेले? जो नहीं खेले वो आज तक बेनिफिट कर रहे हैं ना. अच्छा ठीक है. अकेडमी किसने बनाई है? बिल्कुल. चलो क्यों से आसा ऐसे ही. आज बच्चे कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाड़ी लेके अंदर जाते हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं. मैं एक 10-15 साल पहले मैंने कहा था पीसीबी के पास अपना होटल होने चाहिए. बिल्कुल कहा था. हाँ जी, उनके पास अपने अपने ये कदाफी से टनल खोद के, याद है मैं बात करता हूँ? बिल्कुल. ऐसे टनल खोद के सिक्योरिटी मैटर भी खत्म हो जाएंगे. टनल खोद के सीधा आ जाएं ग्राउंड में, वहीं अकेडमी में प्रैक्टिस करें, वहीं पे ग्राउंड में करें. क्या ट्रैफिक बंद करनी, क्यों करनी? सिक्योरिटी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकता. तो दो एक जर्नलिस्ट कराची के बैठे हुए थे और एक लाहौर का बैठा था, कहते हैं देखिए इसका दिमाग खराब हो गया, आज पीसीबी ने होटल लिया कि नहीं? बिल्कुल.
देखो यार, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि यार जरूर क्रिटिसाइज करो मेरी सोच को, लेकिन तुम अपनी मोटरसाइकिल वाली सोच मेरे साथ तेरा टकराओ ना, ठीक है? तुम्हारे तुमने मोटरसाइकिल जाके जाना नहीं। मैं सोच रहा हूँ यार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब टीमें चली जाती हैं तो फिर एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा हुआ है, बैंकवेट हॉल्स बने हुए, याद तुम्हें कितना कहता था, बैंकवेट हॉल्स बने, यूटिलाइज किया है, अकोमोडेशन आपकी बन गई है, आप पैसे बना सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी है, पैसे बनाओ, रूम रेंट्स करो, रेस्टोरेंट्स लाओ, बस क्रिएट करो, इट you have to create a buzz around your brand, then people will flock in. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये कितनी की बड़ी रॉकेट साइंस है, जैसे तो विजन कितनी की बड़ी रॉकेट साइंस है कि ये सीधा सीधा पाथवेज है, ये मैंने करना है, सिंपल ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स अपने पास रखने हैं. अब मैं तो खैर अब नॉट गोइंग अगेंस्ट द पीटीवी, बीम तो सैटेलाइट इनकी पास है, यहीं से लेंगे सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट अपने ले लें, एयर टाइम अपना क्रिएट कर लें, PSL 2.0 कर लें, कंटेंट क्रिएशन कर लें, मोबिलाइजेशन ऑफ क्राउड कर लें, फिर उसके बाद पैसा कमा लें. उसके बाद का भी आइडिया, आपको पता है उनके चैनल बनाने से पहले आपने एक दफा मेरे साथ प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इनका अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है, वो आप यूट्यूब चैनल उस पर कॉन्टेंट क्रिएशन क्यों नहीं हो रही, अब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है चैंपियंस क्लब की, इसकी स्टोरीज कहाँ है, आनी चाहिए, इसकी रील्स कहाँ है, इसकी रील्स शॉर्ट्स इसके कहाँ है, अब एक पिशेन से लड़का आया है उसकी स्टोरी कहाँ है, ट्रू, लेट मी गेट इंस्पायर्ड. ये तुम देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए यार, ब्रांड बिल्डिंग इज एन आर्ट, नॉट एवरीबडी हैज इट. एग्जैक्टली. देखिए मोहसिन भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा. विल ही बी देयर फॉर नेक्स्ट 5 years टाइम? गॉड नोज. नो, बिल्कुल. वुड हिज, विल हिज विजन विल स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 5 years? ट्रू. I mean, not that we have exactly. इसलिए मैं कहता हूँ 5-10 साल की हम प्लानिंग कर नहीं सकते, चेयरमैन 3 साल के लिए आता है. ट्रू. इसी अरसे में कोई अगर कर जाए, मैजिक कर जाए, छड़ी चला जाए, हमें तो आदत पड़ी हुई छड़ी चल जाए और हम बना के निकल जाए, जो वाह वाह बल्ले बल्ले, वो एक अच्छा बंदा, ये अच्छे बंदे हैं मोहसिन भाई, बिल्कुल ये करना चाहते हैं आपके लिए काम, और मेरा ये ख्याल है कि इनको करना चाहिए. और अगर यही इन 3-4 सालों में अगर इफ ही क्रिएट्स अ मैजिक एंड जो हर पाकिस्तानी को अब लग गई है कि यार 3 साल में सब कुछ इकट्ठा से नहीं ठीक होना, ही इज क्रिएटिंग अ बेस लाइन फॉर यू and a base and a foundation. I hope somebody else comes and applies it. Exactly. I think, you know, Shoaib bhai has spoken and I think he makes absolute sense, you know, where we are to kind of highlight the positivity which is actually oozing out of Pakistan Cricket Board and the decision with the Champions Cup. Or not just that, I think in with that, it's the connection camp which is going to take place. Sab log baithenge saath, milkar faisla hoga. I think, and the vision needs to be translated as a domino effect as well. Thodi si zara international cricket ke upar hawale se bhi guftugu kar lete hai, because England's supposed to play against Pakistan as well. Abhi England jeet to gaye Sri Lanka ke against, but Sri Lanka showed quite a lot of metal against England. Aakhri jo test match hai usme Sri Lanka kamyab hua, unke kuch paces ne, unke jitne ballebaaz hai unhe badi tagdi performances di. Main zara aapke samne agar match summary character hai aur uske paas bilkul hum, main chahta hu ki aap iske upar highlight zarur karenge, Pakistan yahan se kya sabak le sakta hai if Sri Lanka can do it against England in oval. Theek hai Shoaib bhai? Yeah. You know, so let's go ahead, take a good look at the match summary as well. First innings, Ollie Pope, you know, the captain himself, 154. Baz ball sabne yaad rakhna hai, off 156 deliveries. Ben Duckett with 86 of 79. Sri Lanka comes back, 263, where Dhananjaya De Silva makes 69 of 111. And Nisanka with 64 of 51. Then England comes back, scores another 156, loses their wickets early on as well. And they make sure that Sri Lanka can wrap it up. Yes, exactly, in 34 overs. So Jamie Smith with 67, Dan Lawrence with 35. That's the only highlight. Then Sri Lanka bounces back with Pathum Nisanka, 127 not out of 124 deliveries. Kusal Mendes with 39 for 37. Looking at on the other hand as well, you know, look at the bowling figures that we see from Milan, 3 for 56. Vishwa Fernando, 2 for 46. Ollie Stone, 3 for 35. Josh Earle, 3 for 53. Lahiru Kumara, 4 of 21 in 7. And Vishwa Fernando, 3 of 40 in 8. Gus Atkinson, towards the end, 1 of 44, a little expensive. And Chris Foulkes, 1 of 52. Sri Lanka winning by 8 wickets in oval, creating history. Yeah, it's brilliant. Yeah, brilliant to see that. I mean, this is the one team that I want to win test matches. The what a sad part about it is here, ke sober hi nahi khele dono team hai. Bilkul. Dono team hai. Aur England 34 over mein out hoti hai. True. Aur agreed, agar pehli innings mein itna runs ban rahe hain, 150 ek batsman kar raha, Ollie Pope ne runs kiye hain, to dusri mein kya hua aisa ki itni deterioration aa gayi batting mein? आई थिंक बैस बॉल अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. ओके अब ये इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज है. क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट तरह ही खेलनी पड़ेगी, आपको अब्सटेन करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा. हर वक्त चलाना टेस्ट मैच नहीं है. अब दूसरे निसान ने किया ना, वो देखें किया ना, रन बैस बॉल तो करना ही पड़ना था ना उसको, तो चॉइस ही नहीं थी ना, लास्ट इनिंग्स है. लेकिन अगर यही अगर वो दूसरी बारी कर रहे होते, पहले इनिंग्स की दूसरी बारी कर रहे होते बिल्कुल, और तो वो तो होल्ड ऑन करते ना बिल्कुल, वो 200 बॉल तो खेलते. तो ऑब्वियसली सिचुएशन अलाउज हिम टू डू दैट, बट थिंग इज आई थिंक इंग्लैंड नीड्स टू गेट बैक ऑन ओरिजिनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है तेज खेलें, ठीक है खेले 70 में 350 रन हो रहा यही है ना, ऐसे ही. तो मैं सभी चाह रहा हूँ यार कि 100 पिदी तो लगाए इनकी, थोड़ा भागे, थोड़ा जो टेस्ट बेसिकली नाम है वो नजर आए. एग्जैक्टली. सो एनीवेज आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन बाय श्रीलंका एंड आई रियली हैप्पी दैट यू नो दे आर मेकिंग अ ह्यूज कमबैक एंड इट्स अ ग्रेट वन ओवर पाकिस्तान बांग्लादेश. श्रीलंका विनिंग इज इंग्लैंड, इट्स ओनली गिव मी द होप यार कि टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी है, बची हुई है, इन मुल्कों में बची हुई है. Exactly. और ये मुल्क अभी तक जिंदा है और ये खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट. एग्जैक्टली. टेस्ट क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई. एग्जैक्टली. और इसी के साथ जितने हमारे देखने वाले उनको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जब हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं उसमें श्रीलंका आई बिलीव इज एक्चुअली गॉन अ नंबर अप यू नो फ्रॉम इंग्लैंड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट रैंकिंग्स एज वेल, बिकॉज वो जो टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर द नंबर ऑफ गेम्स दैट यू प्ले एंड देन यू विन उसकी एक परसेंटेज बनती है जिसके बाद. सो इंग्लैंड इज ऑब्वियसली प्लेइंग मोर टेस्ट इन अ ईयर देन श्रीलंका और पाकिस्तान. गिव्स पाकिस्तान लॉट ऑफ होप. Do you think that it gives Pakistan a lot of hope? England ke saath khelna hai Pakistan ne. Yaar unke paas batsmen, unke paas bowlers hain, unke paas spinners hain Sri Lanka ke paas. Dekhe na unke halaat dekhe, bankruptcy mein chala gaya country. Ji. But again yaar unka infrastructure itna tagda hai. Aur wo acche talent ko aane dete hain upar. You know, that's all. That's all we need yaar. How hard is that to explain that to you yaar ke acche ko khelne do. That's it. How hard? I think that wraps it up. Yeah. That wraps it up. Thank you so much, Shoaib, for being with us. Lovely to be in conversation with you. You know, a very positive, humble conversation with the very modest Shoaib Akhtar, ladies and gentlemen.